हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुबा फातिमा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद द न्यू वीडियो एंड न्यू रेमेडी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की रेमेडी बहुत ही अच्छी होने वाली है, आप लोगों को पसंद आएगी मुझे यकीन है इंशाल्लाह। सो आज की जो रेमेडी है वो है एलोवेरा जेल फेशियल, जो आपकी हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन के लिए होने वाला है। सो इसके 5 स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको बताऊँगी। जो है हमारा क्लिनजिंग, सो उसके लिए हमें चाहिए कोकोनट ऑयल एंड एलोवेरा जेल, जो कि मैंने आपको इंग्रेडिएंट सारे दिखा दिए पहले। सो क्लिनजिंग के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एलोवेरा जेल एंड कोकोनट ऑयल। सो इसे मैं अपने हैंड पे ले लेती हूँ थोड़ा सा। सो दो बूंद बहुत है इसकी, आप देख सकते हैं, नहीं दिख रही, शायद फोकस नहीं हो रहा होगा, बट मैंने ले लिया अपने हैंड पे। एंड देन इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँगी एलोवेरा जेल। सो इससे मैं अपनी फेस पे क्लिनजिंग करूँगी। तो मैं इससे अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, आप देख सकते हैं। ये मैंने घर का प्योर प्लांट का लिया है एलोवेरा जेल, तो थोड़ा वैसा है ये, एकदम जेल नहीं है, थोड़ा थोड़ा मेरे फेस पे भी आएगा, बट कोई नहीं। सो ये मेरी हो गई है क्लिनजिंग, एंड देन मैं इसे क्लियर करके थोड़ा मैं हैंकी से या तो मैं हैंकी से इसे हटा दूँगी, ड्राई कर दूँगी इसे फेस को, एकदम क्लीन कर दूँगी, या फिर आप फेस वॉश कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सो मैं इसे एक मैं फेस वॉश करके मिलती हूँ आपको। सो मैंने फेस क्लीन कर लिया है, एंड देन जो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है एक्सफोलिएशन के लिए। सो इसके लिए मुझे चाहिए राइस फ्लोर, जो कि मैंने आपको दिखाया था राइस फ्लोर, जो कि है दरदरा, बिल्कुल पिसा हुआ नहीं है ये। सो राइस फ्लोर के अंदर मैं ऐड करूँगी इसमें एलोवेरा जेल थोड़ा सा। सो मैंने ऐड कर लिया है इसके अंदर। सो एक मिनट मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। ठीक है, सो मैं इसे अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, स्क्रब करना है इसे अच्छी तरह से अपने फेस पे इसका। सो ये मैंने स्क्रब कर लिया है, 2 से 3 मिनट तक आपको स्क्रब करना है, एंड इसे वॉश कर लीजिएगा। सो मैं इसे वॉश करके आती हूँ। सो मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ सादे पानी से, एंड देन मैं इसे थोड़ा ड्राई कर लूँगी अपने फेस को। सो मैंने अपने फेस को ड्राई कर लिया है, एंड देन अब जो हमारे थर्ड स्टेप है वो है स्टीम, जो अगर आप डायरेक्ट स्टीम लेना चाहें तो आप डायरेक्ट स्टीम ले लीजिएगा, एंड अगर आपको नहीं डायरेक्ट लेना चाहते स्टीम या आपके फेस पे लगती हो, सो आप हॉट वाटर में अपना हैंकी या टॉवल को डिप कर दिएगा, एंड देन इसको अच्छी तरह से उसका जो पानी निकाल के एंड अपने फेस पे रखिएगा कुछ देर तक। सो ये मैं इसे थोड़ी देर तक रखती हूँ, कम से कम 5 मिनट तक आपको रखना है। सो 5 मिनट हो चुके हैं, एंड देन मैंने अपने फेस पे 5 मिनट तक रखा है इसे हॉट वाटर टॉवल को। सो एंड देन अब ना जो आपके जो पोर्स हैं वो
ओपन हो जाते हैं, तो उसके आपको इजीली अपने नेल्स की हेल्प से ना, जो आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स आते हैं ना, उसको आप थोड़ा सा इजीली, बहुत हार्शली नहीं, बहुत इजीली आप निकालिएगा नेल्स की हेल्प से इस तरह से। तो अगर थोड़े बहुत होंगे ना, वैसे तो हमने स्क्रब कर लिया, लेकिन अगर थोड़े बहुत भी होंगे ना, सो इस तरह से निकल जाएंगे, क्योंकि आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह से एंड देन मैं कर लिया, सो आप लोग देख सकते हैं। सो जो अब हमारे स्टेप फोर्थ है वो है हमारा मसाज। सो उसके लिए हमें चाहिए, मैंने आपको हनी दिखाया था, इसके अंदर आप देख सकते हैं हनी है। ये मैंने एक खाली कंटेनर में कर लिया था, क्योंकि जो हनी का जो बॉक्स था वो बहुत बड़ा था, तो मैंने इसमें थोड़े कर लिया था, क्योंकि मुझे यूज़ करना होता है वीडियोज़ के लिए। सो इस हनी को और एलोवेरा को हम ऐड करेंगे एंड देन हम मसाज करेंगे। सो ये एलोवेरा ये रहा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा हनी ऐड करूँगी। सो मैं इसे फेस पे अप्लाई करके हैंड देन मसाज करूँगी। फिंगर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आप 5 मिनट तक इसे मसाज कर लीजिएगा फेस पे, अपने फेस पे इसकी 5 मिनट तक मसाज करने के बाद में आप इसे वॉश कर लीजिएगा, ठीक है। सो मैं इसे वॉश करके आती हूँ अभी। सो मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ एंड देन मैं इसको ड्राई कर दूँ जल्दी से फेस को एंड देन अपने लास्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। सो लास्ट स्टेप हमारा जो मसाज है, तो उसके लिए क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। सो इसके लिए हमें चाहिए बेसन, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था, एंड देन इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल, 1/2 टीस्पून एलोवेरा जेल, एंड अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर नींबू, 1/2 नींबू आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें नींबू एंड देन अब इसमें ऐड करूँगी मैं रोज़ वाटर, ठीक है। सो मैं रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ, रोज़ वाटर अपने हमारे ज़्यादा थिक नहीं करना, मीडियम पेस्ट के हिसाब से हमें ऐड करना है। सो इतना काफ़ी है, 1/2 टीस्पून इसको मिक्स कर लूँगी मैं अच्छी तरह से। मैं आपको दिखाऊंगी अभी फोकस करके, अभी पहले मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। थोड़ा सा मुझे रोज़ वाटर कम लग रहा है, क्योंकि मैं मास्क लगाना है मैं अपने फेस पे, तो इसमें ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, बहुत हल्का सा फेस चाहिए। सो मैं फेस मास्क की इस तरह की क्वांटिटी चाहिए, बहुत ही गिर गया कोई नहीं। सो इस तरह से कि मतलब थोड़ा सा ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इतनी इसकी पेस्ट की वो चाहिए, ठीक है। सो मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ मास्क को। तो अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो आप प्लीज़ स्किप मत करिएगा, देख लीजिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा, ओके। सो इस तरह से अपने फेस मास्क को अप्लाई कर लीजिएगा एंड देन 10 मिनट्स बाद इसे वॉश कर लीजिएगा। सो मैं इसे वॉश करके मिलती हूँ इसे ड्राई होने के बाद में 10 मिनट बाद। फाइनली फेस वॉश मैंने कर लिया है एंड देन आप रिजल्ट देख सकते हैं। एंड आप इसे वीक में एक बार यूज़ करिएगा, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं इस एलोवेरा फेशियल को।
जो आपकी स्किन को हेल्थी रखेगा एंड ग्लोइंग बनाए रखेगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।